आज इसको खोने के गम में सब अश्कों में डूबे हुए हैं और सबकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। इसको खोने के गम में सिर्फ आप और हम नहीं बल्कि सारा पेड़ पौधा और जानवर भी रो रही है। इसके खोने की खबर सुनकर बहुत सारे लोग उसके इंतजार करने लगे हैं। सारे लोग घंटे भर इंतजार करते रहे ताकि वो आखिरी बार उसके चेहरे को देख सके। बहुत सारे लोग रात भर जागे और उसके आने की इंतजार करते रहे। आखिरकार वो आ ही गया, लेकिन वो आज हमेशा की तरह हंस के नहीं आए। उसके चुपसा को देखकर सारे लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सबके मन में एक ही दुआ है कि फिर से वो खड़े होकर कहे, दोस्तों मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूं आपके बीच में। हजारों गाड़ी आए इसको देखने और इसको संभल के अपने घर तक पहुंचाने के लिए। और ये वो लोग हैं जिसको इस दुनिया में होते समय परमेश्वर की प्यार दिखाया और परमेश्वर की राह चलने को सिखाया। तो आज हजारों लोग उसको देखने आए और अलविदा कहने आए। और वो इस दुनिया में होते समय जगह जगह गए और बहुत सारा अद्भुत काम किया यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उसने लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनाया और अंडे को दिखाया और बहुत लोगों को नया जीवन दिया यीशु के नाम से। और आज हजार लोग दुनिया की कोने कोने से, स्टेट के कोने कोने से उसको देखने आया। और बीमार के बारे में थोड़ा बताने दिल है, क्योंकि आदमी लोग आधा सुन के आधा बात करते हैं। तो आप सभी को पता है वो अफ्रीका गया था, 3-4 कंट्री वो घूम के मिनिस्ट्री करने गया था। उसमें भी आज वो सुन रहे हैं। वो दुनिया दुनिया गए, जगह जगह गया और सभी को यीशु के नाम से नया जीवन दिया और खुशियां दिया। और हम कभी उसके हंसते हुए चेहरे को नहीं भूल सकते। वो जहां जाते हैं भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं और यीशु के बारे पूछने लगते हैं। और आज वो इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसके लिए प्यार कभी हमारे बीच से कम नहीं होगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को उसने, अनगिनत लोगों को नया जीवन दिखाया, नया जीवन दिया, वो कभी नहीं भूलेंगे। आज खोने की खम में सबकी आंखों से आंसू बह रही है, वैसे ही एक परमेश्वर की प्यारा पुत्र को कोने की खम में धरती माँ भी रो रही है। 5 दिनों में वो मैं था, उसका हर प्रोग्राम में मैं बहुत प्राउड का साथ उसका ड्राइवर बन के जाता था, उसका एकदम पति बन के जाता था। पर ही ऑलवेज ट्रीट मी एज अ फैमिली और हमेशा मुझे एक इंकरेजमेंट उसको देख के मिलता था। और आज सिर्फ सामुएल, मार्था, अमीन फादरलेस हुआ, ऐसा फील नहीं हो रहा है, हम खुद भी फादरलेस फील कर रहा है। अरे ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, टू गिव स्ट्रेंथ मेंबर्स। और जोरमदोल सिर्फ नाम नहीं है, एक मिशन है और हम उसको कभी आसानी से नहीं भूल पाएगा, ना भूलना है। हमें दुआ करना है कि उसके जैसा हमारे स्टेट में और भी लोग पैदा हो। शायद ये कुछ साल तक नामुमकिन है, फिर ऊपर वाले की चाह तो
सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और लोगों का घायल मन को मल्लम पट्टी लगाने वाला वो लीडर एक पहचान बनाकर एक उदाहरण देकर हमें छोड़ के गया है। उसका नाम है डॉक्टर रेवरेंड डॉक्टर जोरम दोल और उनके साथ मेरा करीबी रहा और मैं आज अपने आप को कुछ भी बोल नहीं पा रहा क्योंकि वो मेरा दूसरा भाग है। धीराजी आज आप देख सकते हो आपने इस दुनिया में इतना अच्छे काम करके गया है। परमेश्वर के रास्ते बहुत सारे लोगों को दिखा के गया है। आज आप देख सकते हो कि आपको देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से आया है। हजार लोग भीड़ इकट्ठा हुआ है आपको देखने के लिए, आपके चेहरे को आखिरी बार देखने के लिए। आपने ये सभी को सिखा के गया है कि परमेश्वर की प्यार सबसे बड़ा है। आपको सभी को सिखा के गया है कि परमेश्वर की प्यार सबसे महान है। अच्छी आपकी आत्मा कहीं भी हो, हम परमेश्वर को यही दुआ करेंगे कि आपके आत्मा को परमेश्वर की भार में रखिए। और हम आशा करते हैं एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ने के बाद आपको जरूर मिलेंगे। आज देखिए ना, आज बहुत सारे मिनिस्टर लोग भी आया है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आया है आपके चेहरे को देखने के लिए। आज अपने हम सभी भी सिखा के गया है कि दुनिया में धन दौलत कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर की प्यार सबसे बड़ा है। अपने परमेश्वर के प्यार सभी को जीता है। आज जो हजार लोग अभी खड़ा है वो सभी आपके चेहरे को देखने के लिए और सभी लोगों ने परमेश्वर के प्यार को आपके द्वारा पाया है, इसलिए आज सब लोग आपके पास आया है। आज न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि अंधेरों में जलता हुआ एक दिया बुझ गया है, घर से एक बड़ा बड़ा पिलर टूट गया है और सबके दिलों का एक प्यारा वाला पुत्र खो गया है। अच्छा आपके साथ बिताया हुआ पल कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू अच्छी इतना मेमोरीज के लिए और इतने सारे लोगों के जीवन बचाने के लिए। थैंक यू अच्छे, गुड बाय, टेक केयर।